काशी को धर्म और आध्यात्म की नगरी के रूप में ही नहीं बल्कि शिक्षा की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे देश का नामी शिक्षण संस्थान है, जहाँ से पढ़े हुए छात्र आज देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसी काशी में गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है एक सामाजिक संस्था ने, जो बीते 2 सालों से रविदास घाट पर 104 बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला फैला रही है। काशी के रविदास घाट पर खेलते कूदते इन बच्चों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाई है एक सामाजिक संस्था ने, जिसका नाम है खुला आसमान। ये संस्था बच्चों को शिक्षित बनाकर उनके सपनों को पंख देने में जुटी है, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। 2 साल पहले संस्था ने ये मुहिम 11 बच्चों के साथ शुरू की थी, जो अब बढ़कर 104 बच्चों तक पहुंच गई है। ये सभी बच्चे गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जिनको रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक शिक्षा दी जाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये हम लोग खुला आसमान का जो प्रोजेक्ट है अंकुर पाठशाला के अंदर हम लोग पूरा चीज का पढ़ाई से लेकर के उनको सारी गतिविधियां, मार्शल आर्ट की क्लास से लेकर के रैप से लेकर के बच्चा जो भी पढ़ना चाहे, संस्कृत का क्लास से लेकर के हर चीज हम लोग कराते हैं। 6 साल से लेकर के क्लास 11 तक की हमारी क्लास चलती है। 11 बच्चों से शुरुआत की थी, आज हमारे पास 104 बच्चे हैं और तकरीबन 15-20 का टीम है महिलाओं का, जो खाना बनाने से लेकर के बच्चों को पढ़ाने तक का काम करती है, और सिर्फ महिलाएं। इस संस्था की ओर से रविदास घाट पर कक्षा 6 से 11 तक की पढ़ाई कराई जाती है। इसके अलावा इन बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और भोजन का भी इंतजाम यहीं पर किया जाता है। 80 घाट पर रहने वाली रोली सिंह ये सारा काम 15 महिलाओं के साथ मिलकर रोजाना इसी तरह से करती हैं। ये तस्वीर ऐसे बदली कि 11 परिवार पहले हमसे जुड़ा, एक औरतें बात करना चाहती हैं, जो अपने मुहिम का घाट के सीढ़ी पर बदकही करती हूँ, खुल करके बात होता है, औरतें बोलना चाहती हैं, उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ हो रहा था, और उस बोलने की कड़ी में अंदर का चीज समझ में आता है कि अंदर तो और भयावह स्थिति है। वहां पर बड़े प्यार से, बड़े तन्मयता से उनको विश्वास दिलाना कि हाथ पकड़ना, रोली और खुला आसमान हाथ पकड़ता उन महिलाओं का मजबूती से कि तुम कर सकती हो सकता है। जब उन्हें ये विश्वास आता गया और एक कड़ी से कड़ी महिलाएं खुद सामने से जुड़ती गई। रोली सिंह और उनके साथियों की इस पहल का असर भी इन बच्चों के जीवन में दिखने लगा है। खुद बच्चों की जुबानी सुनिए, उन्हें यहाँ का माहौल कितना रास आ रहा है। हम यहाँ पे 8 में पढ़ते हैं। कैसा माहौल है यहाँ पर, कैसे पढ़ाई की जाती है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे गेम्स भी होते हैं, रैप, डांस, म्यूजिक, मार्शल आर्ट, टाइकोंडो, हर एक चीज होता है यहाँ पे। खुला आसमान संस्था की ये पहल अब एक मुहिम का रूप ले चुकी है। जैसे जैसे और जरूरतमंद बच्चों को भी इसके बारे में पता चल रहा है, वो इससे जुड़ते जा रहे हैं। इनकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा समाज के गरीब, वंचित और निचले तबके से आने वाले बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला फैलाया जा सके। वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ गुड न्यूज़ टुडे।